भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के राजनीति करती है और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जाती है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक दबाव की स्थिति जरूर पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी ने जब इन मुद्दों को लेकर के उनसे सवाल पूछा है तो नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन में जमकर उद्योगपति गौतम अडानी पर चर्चा शुरू की और लंबे समय तक इस पर बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव में यह एक प्रमुख मुद्दा होने वाला है। हालांकि यह वह पहली बार नहीं जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। 2019 में भी पार्टी ने कथित राफेल घोटाले की बात छेड़ी थी, लेकिन चुनाव नतीजों में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। हालांकि इस बार भी कांग्रेस की राह में कई रोड़े हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को बड़ा बनाना आसान नहीं होगा। कांग्रेस और कई अन्य दलों के शासित राज्य भी अडानी समूह के साथ कारोबार में शामिल है। अब खबर है कि भाजपा इसे लेकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अडानी समूह से संबंध तोड़ने की चुनौती देने जा रही है। उस दौरान भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़े राज्य चुनावी दौर से गुजरने के लिए तैयार थे। 2018 नवंबर में राहुल ने कथित राफेल घोटाले के मुद्दे को उठाने के लिए चौकीदार चोर है का नारा दिया था। हालांकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी को चुनावी जीत मिली थी, लेकिन 2019 में दांव फेल होता नजर आया। इधर भाजपा ने भी चौकीदार के नारे से राहुल को घेरना शुरू किया। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को क्लीन चिट दे दी। इस बार भी करीब 9 राज्य विधानसभा चुनाव से गुजरने वाले हैं और कांग्रेस ने उद्योगपति से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर सुर तेज कर दिए हैं। सदन में राहुल ने 2014 के बाद अडानी समूह के बढ़ने और गुजरात से संबंधों पर बात की। बात साल 2014 चुनाव से ठीक पहले की है। तब भाजपा ने सदन में 2G और कोलगेट जैसे घोटालों के लिए जांच की मांग उठाई थी। उसी तरह अडानी मामले पर भी संसदीय समिति की जांच की मांग उठ रही है। हालांकि भाजपा का कहना है कि मामला किसी भी तरह से बड़े स्तर पर सरकार या पब्लिक सेक्टर से नहीं जुड़ा है। साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के अडानी के साथ कारोबार में शामिल होने के मुद्दे को उठाया जा रहा है। कुछ समय पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उद्योगपति गौतम अडानी के साथ मन साझा करते हुए देखा गया। तो चलिए इस सवाल पर एक हम भी सवाल कर लेते हैं अपने सहयोगी से और जानते कि क्या कुछ कहते नजर आए वो। तो सीधा सवाल अब्रार से यही है कि अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा भी कर ली राहुल गांधी ने, अब संसद में लगातार हमला भी बोलते नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार पे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यही सवाल बना हुआ है कि 2019 में राफेल का मामला उठाया गया था चुनावों से पहले, लेकिन किसी काम नहीं आया। और अभी भी 2024 के चुनावों से पहले राहुल गांधी ने यहाँ पर गौतम अडानी का मामला उठा लिया, जिसको लेकर लगातार संसद में हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जवाब मांगते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी से। और भी बाकी ऐसी लगातार खबरें सामने आ रही है, खास वीडियो भी आपने जरूर यहाँ पर देखी होगी, जिसको देखकर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि शायद राहुल गांधी आने वाले समय में एक बेहतर पीएम बनने की उम्मीद जो कर रहे हैं वो बन भी सकते हैं, क्योंकि सवाल जिस तरीके से उठाए गए हैं कहीं ना कहीं इससे जो भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार है, वो बुखलाती हुई नजर आई है। तो अब्रार सवाल मेरा ये है कि अगर 2019 में राफेल का मामला उठाया गया था लेकिन वो किसी काम नहीं आया, चुनावों को देखते राहुल गांधी ने उठाया था, अभी गौतम अडानी का मामला संसद में उन्होंने उठा लिया, पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल लगातार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये मुद्दा भी कहीं ऐसी हवाओं में तो नहीं बहता नजर आएगा या फिर किसी काम आ सकता है? देखिए, अभी जिस तरीके से कल की अगर बात की जाए तो भाषणों में राहुल गांधी के द्वारा लगातार ये तमाम सवाल पूछे गए थे, लेकिन जनता किस तरीके से इस मुद्दे को देखती है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के राजनीति करती है और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जाती है। और राहुल गांधी जिन बातों को, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो क्या चुनाव तक रह पाएंगे, ये एक बड़ी चीज़ों की देखने वाली। फिलहाल इस समय ज़रूर इनकी बातों को लेकर के सरकार के भीतर एक जो है बहस शुरू हो गई है। लगातार आप कह सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद से लेकर के कई बड़े प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं वो इन बातों का जवाब दे रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो ये आप कह सकते हैं कि एक दबाव की स्थिति ज़रूर पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी ने जब इन मुद्दों को लेकर के उनसे सवाल पूछा है तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से ये मुद्दे राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं।
जी, तो यहाँ पर अबरार ने अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं अभी भी यही सवाल बना हुआ है और जनता के मन में भी यही सवाल होगा कि क्या इस तरीके के मुद्दे राहुल गांधी को आसानी से प्रधानमंत्री बना सकते या नहीं बना सकते, या इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये खास वीडियो पूरी आखिरी तक देखिएगा। इसराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव MRO मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजरायल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा का पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है, खत्म का है। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है, वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई, अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इजराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए एक विजिट। फॉरेन पॉलिसी, ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए, अब मैंने आपको इजराइल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। कोयला, ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, आप बोलिए सर, स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 billion लोन अदानी जी को जरूरी है क्या, बताओ मोदी जी आपका सरकार सदी प्लीज। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है, 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। दोस्ती, चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। यस यस यस, जून 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC फर्नांडो इन्फॉर्म्ड ए पार्लियामेंट्री कमेटी इन श्रीलंका इन ओपन हियरिंग that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है।